मारीना संदेश लाइव। इस समस्या जैसा देखा जा रहा है कि तमाम वाहनों का पास बनाया जा रहा है और जगह जगह लोग ले जा करके सामान की सप्लाई भी कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ सर कष्ट की बात ये भी देखा गया है कि जैसे ठेले वाले मोहल्ले में अगर कहीं रोक करके बेच रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि लोग इंतज़ार करते हैं और जैसे ही ठेला पहुँचता है अचानक वहाँ भीड़ हो जाती है। उस समय अगर कोई पुलिसकर्मी की निगाह पड़ जाती है तो उनको भागना पड़ता है, सौदा गिर जाता है, लोग भाग जाते हैं, दहशत का माहौल हो जाता है। इसको सर कैसे नियंत्रित किया जाए? देखिए, सभी ठेले वालों को निर्देशित किया गया है कि एक तो वो रेट सूची अपने ठेले के ऊपर लगा कर रखेंगे, दूसरा ये कि ठेले कितनी बार मंडी आते हैं, कितनी बार जाते हैं, इस पर कोई रोक नहीं है। जो भी ठेले वाला अपने ठेले के साथ आएगा वो मंडी से सब्ज़ी खरीद सकता है, कितनी मात्रा में खरीदना चाहता है, जितने पैसे लाएगा उतनी मात्रा में सब्ज़ी खरीद सकता है। और उसको ये निर्देशित किया गया है कि उसे घूम घूम कर सब्ज़ी को बेचना है। आप जो कह रहे हैं वो बात ठीक है कि एक बार जब ठेले वाला जाता है तो भीड़ एकत्रित होती है, लेकिन हम लोग को इस बात का भी ध्यान रखना है कि अभी सरकार ने गाइडलाइंस इशू की है कि 4 या 5 से ज़्यादा एक बार में भीड़ एकत्रित नहीं होनी चाहिए, ये उनके अपने स्वास्थ्य और उनके अपने लाभ के लिए। सुशील जी सर, कि जैसे कि बताया जा रहा है कि सामान के दाम बढ़ रहे हैं और कुछ ठेले वाले बिना रेट लिस्ट लगाए घूम रहे हैं, अपने हिसाब से बेच रहे हैं, उसको नियंत्रित कैसे किया जाएगा? इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो ये कि प्रशासन की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि वो इन चीज़ों को रेगुलेट करे। जैसे मैंने आपको अभी पहले बताया कि सब लोगों को एक तख्ती लगा के रखनी है, जितने भी ठेले वाले हैं जिस भी तरीके से वो अपने सब्ज़ी को बेचते हैं तो उनको एक तख्ती लगा के रखनी है जिस पर वो रेट सूची लगाएंगे। दूसरी चीज़ कि हम लोग मंडी में जो थोक हमारा रेट है उसको सभी को प्रोवाइड किया जा रहा है। जिला प्रशासन की एक टीम है, एक व्हाट्सएप टीम बनी है जिसपे जितना भी सब्जियों का थोक रेट है, सब्जी और फल दोनों का, तो उसको प्रसारित किया जा रहा है। उसमें रिलेवेंट कमीशन जोड़ के और उस रेट थोक रेट के आसपास ही उनको बेचना है। अगर उससे ज़्यादा बिकता है तो जितनी भी दंडात्मक कार्रवाई है उनके ऊपर की जा रही है। एक सर आखिरी सवाल ये करना है कि कुछ सब्जी व्यापारी ऐसे हैं जिनको ये शिकायत है कि उनका मंडी परिसर से पास नहीं बन पा रहा है, जिससे उनको समस्या हो रही है बेचने में। जितने भी लोग, ये शिकायत तो निराधार है, जितने भी लोग हमारे पास बनवाने आए हैं सबका पास बनाया जा रहा है। इनफैक्ट मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि कल कलेक्ट्रेट से लगभग 1600 पास इशू हुए हैं। 1600 पास? हाँ, लेकिन वो पूरे शहर के लिए है। तो अगर कोई मंडी व्यापारी ऐसा है, सब्जी व्यापारी, जो पूरे इसमें जिले में डील करता है तो उसका पास कलेक्ट्रेट से बन जा रहा है, जो तहसील स्तर पे बेचने का कार्य करता है उसका पास हमारे यहाँ से बन जा रहा है, और जो सिर्फ मंडी और एक दो जगह अपने सामान को बेचता है, तो मंडी सचिव को निर्देशित किया गया कि सबको जितने पास चाहिए वो जारी करें, लेकिन जितना भी आवागमन हो वो सुचारू रूप से चले इसके लिए पास लेना बहुत आवश्यक है। थैंक यू। हम मौजूद हैं कृषि मंडी बलिया मोड़ स्थित मऊ में, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि मंडी में आने के बाद अंदर कार्यालय में जाने से पहले हाथ को धुलाया जा रहा है, हाथ धुलवाने के बाद उसके बाद एंट्री हो रही है। काफ़ी अच्छा संदेश ये दिया जा रहा है लोगों को। आपका परिचय? मैं मंडी सचिव सालिग्राम सरोज। यहाँ कोरोना से लड़ने के लिए सुरक्षा व्यवस्था का क्या इंतजाम किया गया है? सुरक्षा व्यवस्था का, जो हमारे व्यापारी बाहर से आ रहे हैं उनको पहले तो हाथ जो है साबुन से जो है धुलवाया जा रहा है, फिर उसको मंडी गेट के अंदर प्रवेश किया जा रहा है, फिर वो व्यापारी आढ़तिया के यहाँ पहुँचने पर कम से कम 2.5 से 3 मीटर की दूरी बना करके ही व्यापार किया जा रहा है। अब एक सवाल ये भी जानना चाहते हैं हम, जैसे कि बाहर से गाड़ियाँ जो आ रही हैं, माल आ रहा है, उसको उतारने के लिए सोशल डिस्टेंस आप कैसे उसमें मेंटेन रखेंगे? जैसे बाहर से जो गाड़ियाँ आ रही हैं हमारे यहाँ व्यापारी के पास, तो उसमें एक गाड़ी उतारने में 3 से 4 लेबर लगते हैं जी। तो क्या है कि एक लेबर जब चढ़ जाता है, जब माल को उतार लेता है, फिर दूसरा लेबर उस पर जाता है, तो एक दूसरे से दूरियाँ कम से कम 2.5 से 3 मीटर बनी रहती हैं। आप देख रहे हैं, समय हम कृषि मंडी बलिया मोड़ पर मौजूद हैं। अंदर का नज़ारा आप देख सकते हैं कि आलू प्याज वगैरह सभी चीज़ का पूरा स्टॉक है, किसी चीज़ की कमी नहीं होने पाएगी। ये आपका परिचय? सज्जाद आलम है। सज्जाद आलम साहब, सज्जाद आलम साहब ये बताइए कि रोज के हिसाब से बिक्री के कुछ फर्क पड़ा है, कम है या ज्यादा है? बहुत फर्क है, कम है। कम है जी, यानी कि इस कंडीशन में भी बिक्री काफी कम है जबकि लोग सामान बटोर के इकट्ठा रख रहे हैं जी। कम, बिक्री कम है। बिक्री कम हो रही है, बिक्री कम ही है कि 9 बजे के बाद ग्राहक को आने नहीं दे रहे हैं। फुटकर ग्राहक को, थोक ग्राहक को? फुटकर चाहे थोक, कोई भी ग्राहक को आने नहीं दे रहे हैं 9 बजे के बाद जी। तो कंडीशन क्या है, कैसे तब आप लोग सप्लाई करेंगे, कैसे लोगों तक सामान पहुँच रहा है? सामान अब तो फिलहाल में ऐसे ही चल रहा है, अब आगे देखिए क्या निकल रहा है रास्ता। और सब्जियों के दाम में गिरावट भी आई या कि दाम कुछ बढ़े हैं? नहीं, मतलब ग्राहक के हिसाब से बिकता है, आमदनी के ऊपर यहाँ बिकता है।
तो यहाँ ग्राहक जो आप बता रहे हैं कम है, तो उस हिसाब से तो दाम काफी गिर गया होगा। हाँ जी। खबरें पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसी तरह खबरों का ताज़ा अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल मारीना संदेश लाइव को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें।